क्या क्या सीखना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, रेकी मास्टर टीचर लेवल या लेवल 3B या लेवल 4 में आपका स्वागत है। इस लेवल में आपको यहां से इस इंस्टीट्यूशन से क्या सीखना है? आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, रेकी आपको क्या सिखाएगी? तो व्हाई हीलिंग फ्रॉम रेकी मास्टर इज सो पावरफुल। आपने लेवल 3 तक हीलिंग करी है, लेवल 2 तक लोगों की हीलिंग करी है, उस हीलिंग में और रेकी मास्टर बनने के बाद हीलिंग करने में आपका पावर जो है वो बढ़ जाता है। व्हाई, उसका रीजन क्या है? तो उस चीज के ऊपर भी हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। ग्योशी हो मेथड ऑफ हीलिंग, आंखों द्वारा हीलिंग करना, ये मेथड भी आज आप सीखेंगे। शक्तिपात के बाद ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी कोडिंग होना शुरू हो जाएगा। मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आप आंखों से हीलिंग करना शुरू कर देंगे जैसे ही शक्तिपात मिलेगी। वैसे अरे टेक्निक सिखानी पड़ेगी, अगर मैं बाई चांस ना भी सिखाऊं तो भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, जैसे आपका एक्सपीरियंस आपने देखा होगा। कोकी हो मेथड ऑफ हीलिंग यूजिंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की यूज करके कैसे हीलिंग करना, और ये दोनों मेथड हम शक्तिपात में भी यूज करेंगे। दोनों मेथड को हम शक्तिपात में भी यूज करेंगे। हाउ टू अट्यून लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3A पर्सनली एंड एट डिस्टेंस लेवल। अगर आपके पास कोई विद्यार्थी आता है, उसको लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3A सिखाना है, जैसे कि आप लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक यहाँ से सीखे हो, तो यहाँ की जो भी नोट्स है, जो भी ऑडियो है, जो भी वीडियो है, उस पर आपको अधिकार मिलेगा, आप उसको यूज कर सकते हो बिकॉज आप यहाँ से। कैसे सिखाना है वो तो आपको पता है, शक्तिपात कैसे करनी है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि चैनल बनाना जरूरी है। आपने क्या महसूस किया कल जब ओरा देखना था, तो शक्तिपात मिलते ही आपको वो दिव्य चक्षु मिल गए। कहने का मतलब यह है कि शक्तिपात का महत्व कितना ज्यादा है, चाहे आप शक्तिपात पर्सनली दे या डिस्टेंस लेवल पे दे। जितना शक्तिपात पर्सनल लेवल पे काम करता है, उतना ही शक्तिपात डिस्टेंस लेवल पर भी काम करता है। क्योंकि जब आप शक्तिपात पर्सनल लेवल पर भी देते हो, तभी भी आप विद्यार्थी को टच नहीं कर रहे हो। सो सीधी बात है, पर्सनल लेवल पे हो या डिस्टेंस लेवल पे हो, आप शक्तिपात कर सकते हो। डिस्टेंस लेवल पे अगर आपने हीलिंग करी है तो शक्तिपात क्यों नहीं? तो जितना शक्तिपात पर्सनली कारागर काम करता है, उतना ही ये अच्छा कार्य डिस्टेंस लेवल से भी करता है, उसमें कोई शक नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे हम, शक्तिपात करेंगे डिस्टेंस लेवल पे, और आप महसूस भी करेंगे किस तरह से सामने वाले को असर होता है। ऑरा स्कैनिंग जो हमने ऑलरेडी लेवल 3A में सीखा है, अब यहाँ पर तो आई थिंक सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑरा स्कैनिंग ऑलरेडी हमने लेवल 3A में सीखा है। हाउएवर थोड़ा सा और भी हम उसको महसूस करेंगे, ऑरा स्कैन करके देखने की कोशिश करेंगे। क्वालिटीज ऑफ अ रेकी मास्टर, सबके सब रेकी मास्टर नहीं बन सकते। अगर आप रेकी मास्टर बनते हो तो आपको कुछ क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप उस पर काम करेंगे और बाद में आप खुद कहेंगे कि सर आप ऐसे क्यों है, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स फॉर रेकी मास्टर भी है। जैसे आप कहते हो कि सर आप बाकियों से अलग हो, बिकॉज मैं क्वालिटीज और कोड ऑफ एथिक्स पे चलता हूँ। रेकी मास्टर बनने के बाद आपको कुछ क्वालिटीज अपने पास मेंटेन करनी है और कुछ एथिक्स पर चलना है। एनर्जी एक्सचेंज इज मस्ट, बट वो कितना रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मुंबई में कितना है, छोटे गांव में कितना रख सकते हो, आप उसे भी कम रखना चाहो, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो रख सकते हो। आपको मन में बेल बजेगी टिंग, आप इसे इतना ही चार्ज करो, पर एक अमाउंट दूंगा, उससे ज्यादा चार्ज मत करिएगा। वो मैं आपको, वो भी अमाउंट में आपको बता दूंगा जब मैं कोड ऑफ एथिक्स आपको बताऊंगा तभी। मास अर्थ हीलिंग मेडिटेशन, हमने लेवल 3 में मैंने अर्थ हीलिंग बताया था, अनुभव किया। यहाँ पर मैंने एक ऐसा मेडिटेशन डिजाइन किया है जो मास अर्थ हीलिंग करता है, मतलब इस अर्थ, इस यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई भी पीड़ित हो। जैसे हमने केरला के लोगों को
हीलिंग किया, उसमें जो हीलिंग पावर थी वो हमारी जो आपने की वो 3A लेवल की थी। जब हम सब बैठे थे और जब हीलिंग कर रहे थे तो पावर आपकी 3A लेवल की थी। आज जब आप ये मेडिटेशन के जरिए अगर आप केरला को, कश्मीर को, दुनिया की फाइनेंशियल क्राइसिस को अगर हीलिंग करना चाहते हो तो रेकी एनर्जी ट्रेमेंडस अमाउंट में उसकी डाउन पोरिंग होगी और आपको महसूस होगा, ओ माय गॉड, मैं शायद शक्ति के प्रवाह में बह रहा हूँ, मैं किसी बाढ़ में बह रहा हूँ, क्योंकि आप एक पावरफुल चैनल बन जाओगे आज से। और इसके लिए मैंने यस्टरडे भी आपको बताया था कि एक्सरसाइजेस करना जरूरी है, जैसे यहाँ पर भी एक्सरसाइज करना जरूरी बनेगा। मजा आएगा ये मेडिटेशन हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि लंच के पहले ये मेडिटेशन हो, लंच के बाद नहीं। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि उतना जल्दी स्पिरिचुअलिटी की बात करनी। कुंडलिनी की बात भी कल जैसे बात हो रही थी, कुंडलिनी चक्र बहुत रिस्की भी है और बहुत ईजी भी है। आज हम रेकी मास्टर टीचर लेवल के सेशन में ये देखेंगे किस तरह से सिस्टमेटिकली कुंडलिनी जागृत होती है, और कुंडलिनी जागृत होने के लिए सिस्टमेटिक तरीका सिर्फ रेकी मास्टर के पास ही होता है। क्योंकि अगर कुंडलिनी जागृत हो गई और उसके गलत इफेक्ट्स आए तो बहुत गलत इफेक्ट्स आते हैं। तरीके बहुत लोगों के पास है, कोई ऑन द स्पॉट कुंडलिनी जागृत करता है, कुछ लोग यूट्यूब से ऑडियो सुन के कुंडलिनी जागृत करते हैं, बट रेकी मास्टर बनने के बाद आपकी कुंडलिनी जागृत करने का तरीका आपको मिलेगा। और आपको पता है कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, कब मैं मेडिटेशन करूं, जब मुझे कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, प्रकट करनी है, या किसी चीज के रिजल्ट्स मुझे मैग्निफाइड करने हैं, तब आप ध्यान मग्न हो चाहिए। कुंडलिनी को ऊपर आने दीजिए, उसको कार्य में लाइए और देखिए कुंडलिनी आपका काम कैसे करे। बट ये सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। मतलब आपको आज ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, मैं कहूँगा कि आप कोई भी बड़ा व्हीकल जो है वो आप चला सकते हो, रेकी के ईंधन से चलने वाला व्हीकल आप चला सकते हो। आत्मा क्या है, इसमें जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उस चीज के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको कर्मा को संभालना है। सो ये चार जो चीज है, स्पिरिचुअलिटी, कुंडलिनी, आत्मा, जीवात्मा एंड परमात्मा, ये चीज के वजह से आपको कैरेक्टर बिल्डिंग भी समझना है, लॉ ऑफ कर्मा भी समझना है। सीक्रेट करके आपने सुना रहेगा कि कोई चीज बार 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 सोचिए तो आपका वो चीज हो जाता है, पर लॉ ऑफ कर्मा की वजह से कभी कभी नहीं होता। किसी ने एक कार की पोस्टर लगा दी अपने घर के सामने, अपने घर के घर में जहाँ पर वो दिखता है वो दीवार पर मसलीज है, इट डजंट मीन कि उसको मिली जाएगी अगर उसके कर्मा पुअर है, तो लॉ ऑफ सीक्रेट वहां काम नहीं करता, तो लॉ ऑफ कर्मा काम करता। सो रेकी से हम अपने कर्मा को इम्प्रूव करते हैं बाय मास अर्थ हीलिंग मेडिटेशन। ठीक है, हीलिंग टेक्निक्स में भी आपको इसमें भी और भी अच्छी टेक्निक बताऊंगा किस तरह से आप हीलिंग करेंगे, जो हमने 3A लेवल से भी जो टेक्निक्स अभी काफी इंप्रूव हो जाएगी, एंड हाउ टू कंडक्ट मेडिटेशन सेशन फॉर अदर्स। अगर आप आपके एरिया में मेडिटेशन सेशन करवाना चाहते हो, आप खुद कंडक्ट करना चाहते हो, लोगों को बिठा करके आप कैसे करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे क्या तरीका है। ऐसा नहीं कि केवल विशाल ही करा सकता है, हमने हम सब कर सकते हैं। इस चीज की कोडिंग भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में शक्तिपात के जरिए हो जाएगी। तो जब शक्तिपात का महत्व क्या है, कि शक्तिपात लेने से गुरु जो भी कोडिंग करवाना चाहता हो विद्यार्थी के सबकॉन्शियस अवचेतन मन में वो कर सकता है। डिस्टेंस लेवल में क्या है, टेलीपैथी के जरिए ये कोडिंग होती है, पर्सन में भी टेलीपैथी होती है। आपको थोड़ी ना आपके कान में बोला जाएगा मैं ये दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, चाहे पर्सन को पर्सनली अगर आप शक्तिपात करें या डिस्टेंस करें, रेकी मास्टर को टेलीपैथी का ही यूज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई कहते हैं कि शक्तिपात पर्सनल हो या डिस्टेंस हो, ऑलवेज काम करता है। वो बात अलग है कि वो सातों चक्रों को सुषुम्ना नाड़ी खोलना, स्पिरिचुअल कोड बढ़ाना, एंड ये तो प्रोसेस है वो तो हम देखेंगे, बट सबकॉन्शियस माइंड से कोडिंग, उसको कोड देना,
बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है।